नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर बॉक्स ऑफिस वाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिशिम 2 मूवी के 6 डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि उसका अर्ली एस्टिमेट हमारे सामने आ चुका है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो जिशिम 2 जब से ये मूवी रिलीज हुई है तभी से ये मूवी कई सारे रिकॉर्ड बना चुकी है और लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अजय देवगन की एक्टिंग हो, चाहे अक्षय खन्ना हो, चाहे तब्बू हो, सभी किरदारों ने बहुत ही बेहतरीन कलाकारी इसमें दिखाई है। इस वजह से लोगों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ऑफिशियली ये हिंदी रीमेक है, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इस मूवी का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 15.36 करोड़ रुपये था, लेकिन ये अगले दिन बढ़ गया और उसके अगले दिन और भी ज़्यादा बढ़ गया। पांचवें दिन इस मूवी ने 10.65 करोड़ रुपए की कमाई की और छठे दिन यानी कि आज के दिन वेडनेसडे के दिन इस मूवी ने 9.60 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो कि अभी तक हमारे पास अर्ली एस्टिमेट निकल कर आया है। तो जिससे इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में 96.06 करोड़ रुपये हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 50 करोड़ का सिर्फ इसका बजट है, लेकिन इस मूवी ने 6 दिनों में ही 96.06 करोड़ रुपये कमा ली है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। 100 करोड़ का बिजनेस इन्हें वर्ल्ड वाइड में पहले ही कमा लिया है। बाकी दोस्तों, सातवें दिन की जो प्रेडिक्शन है, जो एस्टिमेट है, वो तो यही कह रही है कि 9 से 10 करोड़ रुपए ये अगेन कमा लेगी। इसके बारे में एक अपडेट वीडियो में ले आऊँगा, उसमें आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 10 से लेकर 11 करोड़ रुपया कमाएगी, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो वही हुआ, 9.60 करोड़ रुपये इस मूवी ने कमाए है। आपने ये फिल्म देखी है, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।